हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। मेरा नाम आमना है। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। दिस इज माय यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी आने की वजह ये थी, समर ब्रेक चल रहा है मेरा, लेकिन मेरा एक पेपर था जो कि 10 को खत्म हो गया हुआ, मतलब पेपर मेरे वाइंड अप हो चुके थे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या मिसमैनेजमेंट हुई है, तो पेपर हमारा जो उन्होंने कैंसिल कर दिया और एक नई डेट दे दी जो कि 23 थी, आज 22 है। और आज पेपर की तैयारी के लिए मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। इतनी भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। अब मैं जा रही हूँ कैफेटेरिया में नाश्ता करने के लिए। तो ये है मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता, पीच शेक जूस, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी का बहुत पसंद है। यूनिवर्सिटी की ये वाइट चीज़ है जो मुझे पसंद है। मेरे मुंह पे पिंपल भी आ गए हैं 1-2 गर्मी की वजह से। मैं CS कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि CS में चाइनीज की जरूरत कहाँ पड़ सकती है। कोई मकसद का सब्जेक्ट नहीं है हमारा ये। दिस इज माई यूनिवर्सिटी ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आई मीन UMT। इस वक्त शदीद धूप निकली हुई है, सूरज तप रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे पेपर की तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है। ये मेरी दोस्त हैं, पढ़ाकू दोस्त हैं, ये हमेशा पढ़ती रहती हैं। और ये देखें, कुछ समझ आ रहा है आपको ये क्या लिखा हुआ है? ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरी दोस्त को समझ आ रहा है क्योंकि इसने लिखा है। ये चाइनीज में सब कुछ लिखा हुआ है। दिस इज आवर यूनिवर्सिटी ATM, कभी भी चलता नहीं है, कभी भी ये काम नहीं करता। मेन बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की। पढ़ाई करके मैं बहुत थक गई हूँ, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहती, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो भूल गई थी। ये किस गुफा में से गुजर रही हूँ मैं? यूनिवर्सिटी में क्या 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 कबाड़खाना रखा हुआ है। फ्राइड मैंने मंगवा ली है, अब मैं घर जाऊंगी, जाके कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी, घर जाके खाना बनाऊंगी। पास में से मुझे चिकन लेना है। फाइनली आई एम बैक विद चिकन। दरवाजा खोल दो, बहुत गर्मी है बाहर गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है। राइडर ने मेरे साथ धोखा कर दिया। राइड के पैसे 255 बने थे, मुझे घर ला के कहता है कि 455 है। फ्रॉड हो गया मेरे साथ। अंधेरा क्यों किया हुआ है? चिकन मैं ले आई थी, अब मैंने अपने बाबा से कहा है कि आप खाना वगैरह कर लें। कहा है कि ठीक है बनाऊंगा मैं, बस प्याज टमाटर धनिया वगैरह सब कुछ आप काट लो। मैंने कहा है सारे सामान काट के, गोश्त फ्राई करके, सारा कुछ करके रेंट पे जब खाना हो मुझे बता। बिल्कुल, मतलब बाबा से कहा है आप बनाए, बाबा सारी रेसिपी बता गए, तो मतलब ये हो गया कि बाबा ने बनाई। अब यहाँ पर जो है ना लहसुन प्याज टमाटर जो है वो कट रहा है। सोचा था यूनिवर्सिटी से आके रेस्ट करूँगी, मेरी किस्मत में आराम कहाँ आते, मुझे कह दिए जनाब जी चलो जाओ किचन में और ये सब काम करो। मैं कहाँ भी था छोटी बोटी करवा के लेके आई। मैंने तो अपनी तरह से छोटी करवाई थी, उसने खुद ही जो है ना बड़ी कर दी। तुम चिकन दो? हाँ नहीं तुम्हें पता भी है मैं नहीं हाथ लगाती चिकन को। किचन का? चिकन को ना किचन। इतना काफी होगा 3 लोगों के। अब पर बनाना क्या है? वो बन जाएगा, पहले हम नाम नहीं देते, पहले हम बनाते हैं, फ्रेंड पे हम नाम देते। देखो इतनी बड़ी बड़ी तुमने ली आई हो। लेकिन बाबा ने रेसिपी क्या बताई है? बाबा ने बोला है कि सारी चीजें काट के और कढ़ाई में डाल दो, खुद ब खुद पक जाएगा। नाइस। मेरे लिए ये बहाना ठीक रहेगा कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ने दे, शायद ये मुझसे फिर काम ना करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बस ठीक गई थी कि पढ़ के आ जाऊँ, पेपर की तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो है कल 12 बजे मेरा पेपर दूंगी। इतनी मुश्किल से मैंने जान छुड़वाई थी कि पेपर खत्म हो मेरा, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स थी कि अब पेपर नहीं होगा। वो तो शुक्र है मैंने मेल चेक कर ली, तो उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि जो आपका पेपर था सब बच्चों का वो कैंसिल हो गया। तो बाबा कह के गए हैं जैसे ये घी जो है गर्म हो जाता है, ये गोश्त को इसके अंदर फ्राई कर लेना है। ये हमारे चिकन धो दिया और इसका मैं आयल गर्म होने का वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे इस बेचारी ने मामा को शिकायत लगाई है कि मामा मेरे से बहुत काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुनी। कोई बात नहीं, इस बेचारी कह रही है मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मेरी टांगों में खलियाँ पड़ गई हैं। आपसे कैसे कैसे काम करवाए जा रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा था कि मामा को शिकायत कर दी तो अब काम नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी काम रही है, मुझसे चीला भी नहीं जा रहा। मैंने 3 घंटे से इतने से छीले हैं, पापा बार बार देख रहे थे कितना छीला, आंख के वो खुद ही आ गए, लाओ मैं खुद ही छील लूं, मैं फिर पकड़ के आ गई, शर्म आ गई। आज मैं रेस्ट करूंगी और ये दोनों काम करेंगी, इन दोनों से काम करवाऊंगी, सिर्फ व्लॉगिंग मैं करूंगी। आप रोज रेस्ट करती हैं, कौन सा आज नहीं रेस्ट की कुछ लगती काम हो? नहीं नहीं इस वक्त मेरी टांगे शदीद दर्द कर रही हैं, काम कर रही हैं। यार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुबह उठ के इतने ज्यादा बर्तन धोए, पूरा किचन मैंने साफ किया। माशाल्लाह साफ किचन तो मैंने खुद आके साफ किया है। काम करके हमारे व्लॉगिंग में आवाज ही नहीं आती है। खैर इनको छोड़ें, मास्टर शेफ ने ज्वाइन कर लिया है, देखते हैं अब शायद
बाबा ने आप लोगों को ज्वाइन किया है कि वो उनकी हेल्प करें। बाबा ने सिर्फ फ्राई में चमचा फेरना है और समझो कि बाबा ने सारी कुकिंग की है। बाबा की निगरानी में ये अच्छे काम करेंगी। हमारे बाबा सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने काम करना होता है कही होता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। बाबा को सब खाने बनाने आते हैं, तो इसीलिए तो हमारा पॉसिबल हो रहा है कि हम मामा के बगैर जो ना यहाँ पर रह रहे हैं। तो मामा होती हैं तो सारे काम मामा ने ही करने होते हैं, काम हमें आते हैं वो भी मामा ने ही करने होते हैं। मामा यहाँ पर नहीं है तो इस वजह से बाबा जो है ना हमारे किचन में हाथ बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा काम करवाते हैं। माशाल्लाह मेरी आपी ने बहुत मज़ेदार कढ़ाई बना ली है। इस कढ़ाई का नाम क्या है जनाब? नाम नहीं आता, बस बना दिया। जो बन जाए वो ही ठीक है, बस जैसा भी हो खाना पड़ेगा आपको। मेरी बहन आई है, देखें बेबी पिंस लगा के रखती है अपने सर पर, अपने आप को बेबी समझती है, पर ये है बेबी नहीं। गाइस मेरी बहन आपको गाना सुनाएगी। गाना सुनाएगा जो सुना रही थी आप प्लीज। डार्क लाइफ से मशहूर जी दिसगी, तेरे सुहे सुहे रंगा ना शिकार हो गया। आपको दिया जाता है एक अवार्ड इतनी सुरीली आवाज पे। काट कर देना प्लीज। फास्ट फास्ट, बहुत भूख लगी है, जल्दी करें। जल्दी करो ना कमी। बहुत भूख लगी है, मैंने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। मंगा दिया आपने, बस आ जाइए आ जाइए। मैं करता डरता मैं यूज करता। आ जाइए डियर आ जाइए। खाना हमने खा लिया, खाना बहुत मज़े का बना था कि मेरे बाबा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। मेरे बाबा कभी कभार कुकिंग करते हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। खैर अब हम बहने जा रही हैं फर्नीचर लेने के लिए। कुछ फर्नीचर हम ले आए हैं, कुछ मामा ने घर से भेजा है और कुछ जो है ना अभी रहते हैं बाबा का रूम भी हमने सेट कर, ड्राइंग रूम भी सेट करना है, नया टीवी लॉन्च भी सेट करना है। अभी काफ़ी कुछ सेट करने वाला है, पर आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ करेंगे ना। मामा कह रही थी कि आयशा की पसंद का फर्नीचर ना लेके आना, जिस तरह का घटिया बेड लेके आई थी ना वैसे ही कुछ और ले आएगी। तो ये मामा ने नहीं बोला, खुद से मामा ने बोला है। मामा ने कहा है जिस तरह का घड़े बेड है ना वैसा कुछ भी ना लेके आना। आप जहेज का भी ना ले लें, जहेज एक लाना था उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ड्राइंग रूम के लिए ना ये वाला ज़्यादा सेट रहेगा, मतलब कलर थीम का मैच हो रहा है लेकिन ये गंदा होने वाला है वैसे, है ना लगेगा। तो ड्राइंग रूम में कौन सा हर कोई हर वक्त बैठा होता है। मुझे ये वाला अच्छा लगा, लेकिन मुझे लग रहा है हमारा ड्राइंग रूम छोटा है। नहीं आप ही सीख लगेगा ब्लैक कलर में। हाँ ऑर्डर पे वो तैयार कर देंगे, अगर ब्लैक कलर की ले लें और वो बिल्कुल LED के नीचे रख दें। अब ना LED के नीचे कोई चेयर कौन रखता है। हाँ। स्टार्टिंग पे देखा है वो वाला और एक ये वाला सेम है दोनों। हाँ बस कलर डिफरेंस है इसमें, और इसकी प्राइस है 260, सिर्फ 260 रुपये। इस बात से तो मैं वैसे ही सूली पे लटका देना चाहिए। मैं कह रही थी यहाँ पर ऐसा भी तो सोचा ना जो हमारा ड्राइंग रूम है उस पर हम कोई डाइनिंग टेबल रख लें। वो हम बाद में कर सकते हैं इस तरह, लेकिन फिलहाल उसमें हम अभी ना हमें टीवी लॉन्च के लिए ना मुझे जो है ना ये वाला ये पसंद है, ये जो मैरून कलर की चेयर है ना, अगर इसका कलर चेंज किया जाए ये मेरे रूम में इस तरह क्यों। प्लीज़ अब ग्रे कलर मत चूज करना, ग्रे कलर पर मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं घर से भी। ग्रे कलर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बेड ग्रे ले लिया इसने, लेकिन नहीं अब ब्लैक का कोई थीम करना चाह रहे हैं उसके साथ, कर्टन भी ब्लैक। दो चेयर 55 दो। थैंक यू सो मच। उठ जाओ, बहुत तुमने फील ले लिया शहाना। इसके बारे में अभी हमारा यहाँ पे रेट नहीं बना इसका, इन्होंने हमें 250 बताया, आपने फाइनल 250 फाइनल बताया और अब हम कह रहे थे 50 ले लें। बाबा को वैसे बैठ पसंद है। हाँ ये जो इस तरह वाले हैं ना पापा, पापा को मेरा ग्रे बेड बिल्कुल पसंद है। हम दो तीन जगह विजिट करते हैं और क्या बता रेट वगैरह बन रहा है तो हम पार्टी। थैंक यू। मुझे तो वो अच्छा लगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हैं। हाँ अभी हमने सिर्फ एक ही दुकान पर देखा है, तो दूसरी फिर फर्नीचर ले लेते हैं। ये गुड आइडिया, घर बेच के फर्नीचर ले लेते हैं। मुझे कमेंट्स में भी लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि अब घर बेच के बाहर खेमा लगा लेंगे उसमें फर्नीचर सेट कर लेंगे। ठीक है सही, ये बढ़िया। मामा को दिखाया, मामा को भी यही पसंद है। मामा को भी यही पसंद है। ये भी फर्नीचर का है। हम दूसरी शॉप पे आ गए हैं फर्नीचर देखने। ये स्टार्टिंग वाला ही देख लो।
साइज ना, मैं बहुत मोटी आ रही हूँ। अच्छा लग रहा है, हर जगह मेरे ख्याल से इसी तरह की डिज़ाइन है आजकल, यही चल रहा होगा। फिर अगर हम ड्राइंग रूम में सोफ़ा नहीं रखते ना, तो वहाँ पे ये इस तरह का टाइम टेबल आता। यही चीज़ मैं कह रही थी, ड्राइंग रूम में। लेकिन अगर हमने हॉल में सोफ़ा रखा हो तो फिर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, वरना नहीं। एक के लिए कर लेंगे सोफ़ा और एक के लिए डाइनिंग टेबल। देख लीजिए, ये जो है अगर आप अपने कमरे में रखो चेयर की जगह। कौन सा? ये वाला। ये एक अकेला? हाँ, पर मेरा कमरा ज़्यादा खुला खुला है तो ये अजीब भी लगेगा। इतना खुला नहीं है, बेड आ गया पहले। टेबल भी लेना है, गोल टेबल लेना है। हाँ, ये मुझे इस तरह के डाइनिंग टेबल पसंद है। ये दिस इज नाइस, में रख लेना। ये पसंद आ गया इनको मेरे रूम के लिए, और मुझे ये डाइनिंग टेबल पसंद है। अगर हमारा किचन ओपन होता तो ये वाला डाइनिंग टेबल ऊपर वाले पोर्शन में से रखा जा सकता है। है ना, 195। ये अच्छा, आप इसकी वजह पूरा सोफा सेट ले सकते हैं 195। जी ये अच्छा लगा, ये एस्थेटिक। नहीं ये बहुत ज्यादा है, आप ये वैसे ही हमें रेट ज्यादा बता रही हैं, है ही इतने हैं। तो आप फाइनल करके बताएं ना, इनके लेने वाले भी बने। ये ऊपर वाला पोर्शन है, लेकिन मुझे नीचे वाले में ज्यादा पसंद आया। ये भी ठीक है, नॉर्मल है। पर आपने बताया 35 है ना, फिर मैं मान रहा हूं ये पूरा पूरा रेट आपने कहा है, ज्यादा नहीं बता रहा। आप ऐसा करें 5 ले लो, 35 को रहने दे, 5 ले ले आप। नहीं अंकल, फिर भी नॉर्मल करें, हम मेहमान हैं, आपने खुद ही कहा है जी, तो फिर मेहमानों के साथ थोड़ा बहुत बनता है। पूरा पूरा रेट बता रहा हूं 35 में, इसके कोई कमी नहीं। मुझे लगता है व्लॉग बंद करना पड़ेगा अंकल, व्लॉग में रेट नहीं कर रहे शायद। अंकल ये कितने का है? ये अभी 25 करोड़ का। मैं ये नहीं लूंगी, इसमें थोड़े से पैसे और मिला के सोफा पूरा सेट आ सकता है। आमना मैडम थक गई, मैं बहुत थक गई। ये वाला टेबल अच्छा लगा हमें, ये वाला टेबल अच्छा। अंकल आप कम करें, हम इसकी शादी पे भी आपसे लेके जाएंगे फर्नीचर। अंकल नहीं माने, अंकल ने इस टेबल का 48,000 बताया, ठीक है। ये वाला जो टेबल है 48,000। अब हम लोग फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें लोगों को बेड भी लेना है। ये वाला सोफ़ा सेट पापा को पसंद आया, क्योंकि हमने उनको पिक्चर भेजी। पापा को वैसे भी हर चीज़ ब्लैक ही पसंद आती है, ये टेबल और ये वाला सोफा। पापा की फेवरेट बेटी भी यही है, क्योंकि ये ब्लैक है। अंकल ने इसका 30,000 बताया ही ना, क्या रेट बताया आपने इसका? 15। मामा कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं सियालकोटी वाली बात नहीं करें। अंकल सियालकोटी ज़्यादा कम रेट करते हैं। ये तो अंकल मुझे लग रहा है मैंने इसको ऐसे पकड़ना, नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाना, ऊपर वाला अलग। मामा कह रही हैं खाली टेबल लेके सर पे मार लेना, सोफे ना लेना। नहीं कहता आप सियालकोट से, लेकिन आपकी बोली से नहीं लगता। हमने कहा हमें 4 साल हो गए लाहौर रहते, हमारी जो लैंग्वेज मिक्स हो गई है। कराची वाले कैसे बोलते हैं ना, मेरे क्या पता हो कैसे। बेटा वो सामने कर रहा था, थक गए हैं। कुछ पसंद किया हमने? पसंद तो बहुत कुछ किया है, पर लिया नहीं। पापा दरवाजे नहीं खोल रहे, अभी हम यहाँ पे भी पौधे लगाएंगे, अंदर भी लगाएंगे पौधे। अब मैं सो जाऊंगी। ऑर्डर करवाए हैं आपकी पसंदीदा सोफे, सही बात है। हॉल के लिए सोफे 2 लाख का सोफा था, ऐसा ही बेड ही है ना, वैसे ही सोफा करवाइए। आपके रूम के लिए बेड और यहाँ पे सोफे, वहाँ पे डाइनिंग टेबल डन कराए। आप पैसे बाप दे देना, इतनी महंगाई है ना, इतनी महंगाई है, क्या कहूँ। मतलब सोफा जो है वो पूरा पूरा 2.5 लाख के हैं, इतने ज्यादा महंगे कौन ले। ये और आप कह रहे थे यहाँ पे आपने एल सोफा क्यों नहीं रखा। ये सोफा लिए हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मंथ हुए हैं, और अब ये सेल भी नहीं हम कर सकते, और अभी काफी ज्यादा फर्नीचर लेना है। जो हमारा पुराना ड्राइंग रूम था ना पहले पिछले घर में, उसमें ये सारे मैच कर रहे थे। हाँ, तो अब इसलिए ये यहाँ पर लेके आए हैं, और अभी हमें ऊपर वाला पोर्शन भी सेट करना, ये वाला पोर्शन भी सेट करना। और दूसरा ये क्या, हमारा ये जो टीवी लॉन्चर है ये बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पे। हम ना तो व्हाइट कलर रख सकते हैं, ना स्किन कुछ भी इस तरह कलर नहीं रख सकते, क्योंकि हमने सारा कुछ खाना पीना भी यहीं पे।
अब आपने हमें सजेस्ट करना है कि कौन सा वाला हम जो है ना वो सिलेक्ट करें, और आपको भी मैंने सब कुछ दिखाया है, कुछ हमने भी पसंद किए हैं, आपको भी उनमें से कोई पसंद आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें बहुत सारा कुछ लेना है और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता ही लेंगे, अब एकदम से तो सब नहीं ले सकते, आहिस्ता आहिस्ता करके सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। एनीवे गाइस, यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वेरी बैड, आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और ये है कि वीडियो में कमेंट ज़रूर आपने करना है और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब तो मस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बस ये एक व्लॉग एंड तो कर दिया, तुमने सुबह की यूनिवर्सिटी जाते हो यहाँ पे आयरन लगाई है, वापस क्यों रखी वो? एनीवे गाइस, कल मेरा पेपर है, कल दुआ कर देना मेरा पेपर ठीक हो जाए। गाइस ये देखें, ये इस तरह ही करती है, मैंने सात कैबिन बना हुआ, तुम इसको खोल के इसके अंदर रख सकती थी। हाँ। लेकिन वो है ना, अकल नहीं है। और ये बैग भी तुमने वैसे का वैसे रखा हुआ, मैंने कितनी बार तुम लोगों को कहा है जहाँ से चीज उठाओ वहाँ पे रखो वापस। ओके मैम, ओके गुड, ले जाओ अंदर।